काम करने की बजाय जिहड़ा पहला महीना सीगा जिहड़ा महीना लंघ के गया चन्नी साहब की ते सिद्धू की लड़ाई दे विच ही लंघ गया और लोगों का ध्यान उधर ही लगा रहा और दूजा महीना आ 20 अक्टूबर तो दूजा महीना शुरू होया ये हुण नवीं लड़ाई जिहड़ी पंजाब दे विच छिड़ पई जिहड़ियां रोज़ ही खबरां पढ़न नूं मिलदियां ने कि सुखी रंधावा रूसा आलम ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ये जिहड़ा नवां इशू पंजाब दे विच शुरू हो गया हिसाब तो इन्हों को असी अपने कामों का लेना सीगा अपने रेवन्यू का लेना सीगा अपने मुद्दों का लेना सीगा पर साडा सारा ध्यान इन्हां दी लड़ाई वाली सारा ला के रख दिता गया। पंजाब सरकार सारी दिल्ली तो डिकटेट हुंदी आ और दिल्ली तो सारा हुक्म चलता अगर सिंह होणी वी मंत्री बन के बेदबी का मुद्दा नशे का मुद्दा रेता का मुद्दा वह सारा कुछ ही भुल गए। मैं उन्होंने भी पूछना चाहना कि प्रगट सिंह जी टीचा जिहड़ा उह मंत्री बनना सीगा कि पंजाब नूं इंसाफ दवाउण दा सीगा। साथियो अज एक महीने तो उपर हो गया नवी पंजाब सरकार बनी नूं और मैं ये गल कही सीगी स्टार्टिंग दे विच कि 10-15 दिन का जिहड़ा इन्हां नूं टाइम जरूर दिता जाऊगा काम करन दा मौका दिता जाऊगा जां जिहड़ा इन्हां दा कोई हनीमून पीरियड सीगा जिहड़े इन्हां दे चा सीगे उह इन्हां नूं पूरे करन दित्ते जाणगे और उस तों बाद इन्हां नाल मुद्दों के उत्ते गल जरूर की जाऊगी और जिन्हां मुद्दों नूं लै के कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बदलिया गया सीगा मेरा ख्याल 13-18 नकाती प्रोग्राम सीगा जिहड़ा एजेंडा इन्हां नूं दिल्ली तो मिलिया सीगा इन्हां दी हाई कमान तो वह प्रोग्राम इन्हां दा इह सीगा उहदे च किहड़े किहड़े मुद्दे सीगे नंबर एक बेअदबी रेता नशा शराब ट्रांसपोर्ट माफिया एजुकेशन माफिया मैडिकल माफिया केबल माफिया बच्चे जिहड़े बाहर कूच कर रहे आ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜ ਪਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਹਿਤ असल मुद्दों के उत्तों लोगों का ध्यान हटा के इन्ना बेफजूल बेतुके जड़े मुद्दे आ इन्ना वल लाया जा रहा जिवें आम घर वेख्या जाता है ना कि किसी ने किसी के पैसे देने होंगे आ जो बंदा बूहे ते आके बाहर खलो जाता ना बूहा खड़का तो अंदर घर आई जाता घर आला जां दो भरा अंदर लड़न लग पैंदे आ उची उची बोलन लग पैंदे आ जुत्तियो जुत्ती होण लग पैंदे आ ते जिहड़ा बाहर खलोता हुंदा विचारा पैसे मंगण वाला अपना हिसाब मंगण वाला वह शर्मो शर्मी चल जाता भी यार मैं मुड़ के इन्हां कोल आ के हिसाब पुछ लैंदा वा वह हिसाब साडी पंजाब दी जनता नाल हो रहा कि हिसाब ते इन्हां कोल असीं अपने कम्मां दा लैणा सीगा अपने रेवन्यू का लेना सीगा अपने मुद्दों का लेना सीगा पर साडा सारा ध्यान इन्हां दी लड़ाई वाली सारा ला के रख दिता गया। ये हालात कुछ पंजाब दे जिहड़े बना दिते गए आ मैं पहला शुरुआत जिहड़ी कर लगा सारे मुद्दों ते गल करांगे आपां मैं शुरुआत ही रूसा आलम तो कर लगा कि रूसा आलम पिछले 16 सालों तो पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल वेले कोले लै रही सीगी 16 साल तो मैं रंधावा साहब तुहानूं संबोधन होण लगा कि 16 साल तो जो कई विरोधी कैप्टन अमरिंदर सिंह ते रूसा के खिलाफ बोलते सीगे जिन्हां दे विच तुहाडे आ नवे नवे खहरा साहब जिहड़े तुहाडे नाल शामिल होए आ इह वी बड़े सवाल चुकदे सीगे उदों तुसीं उन्हां दे खिलाफ क्यों नहीं बोले जां उदों तुहाडा देश प्रेम आ जिहड़ा भारत दे प्रति उह क्यों नहीं जागिया उदों तुसीं क्यों नहीं उहदे उत्ते नुक्ताचीनी कीती ते जे तुहाडा देश प्रेम जाग भी गया तो मेरा ख्याल कल तुसी ट्वीट किया सारी दुनिया ने वेख्या सारियां अखबारां च लगा कि रूसा आलम की ISI के जिहड़े संबंधां दे नाल जांच आ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
अगे ये गल कह दिती। मैं तुहानू यह पहला कहना चाहना कि अपनी गल ते रहिंदे, जे कह दिता सीगा जांच करवानी आ ते फिर उहदे ते खड़दे, फिर उह तों हथ खड़े करके भजदे ना, पर तुसीं कुछ कर ही नहीं सकदे क्योंकि पंजाब सरकार सारी दिल्ली तो डिकटेट हुंदी आ और दिल्ली तो सारा हुक्म चलदा। और अगे मैं गल करन लगा कि तुसीं बहाना की लाया, अज अखबारां दे विच सीगा तुहाडी, मैं वीडियो सुणदा सीगा उहदे विच तुसीं बहाना इह लाया कि जेड़े आई एस आई संबंधा की जांच है वह केवल रा कर सकती है। मैं तुहाडे ध्यान च लियाउणा चाहुंदा गृह मंत्री साहब, पुलिस का महकमा तुहाडे कोल आ, किते सीनियर ऑफिसर नूं पुछ लो कि पहला भी कई पुलिस ने इहो जे अतवादी जां इहो जे संबंधा वाले बंदे जिन्हां दे आई एस आई नाल संबंध रहे आ उन्हां नूं फड़ के पुलिस ने अंदर किया वा। सो ये बहाना लाना ठीक नहीं सीगा जदों पता ही आ भी यह बंदा कोई देश विरोधी आ जां अतवादी आ जां उहदे उधर संबंध ने, ते आपां इह तां नहीं वेट करनी भी इहदी जांच जिहड़ी एन आई ए जां रा करूगी। अगे मैं अपनी गल ते आउण लगा, मेरे लिए यह मुद्दा नहीं है कि वह आई एस आई दी एजेंट है जां नहीं है, जांच करनी जे जांच करनी है ते मेरी नज़र च मुद्दा यह आ रंधावा साहब कि उहदी सिफारिश नाल रूसा आलम की सिफारिश नाल किन्ने बंदे मंत्री बने, किन्ने अफसर लगे वड्डियां वड्डियां पोस्टां दे उत्ते, किन्ने बंदे चेयरमैन बने ते किन्ने बंदे एमएलए बने, ते उन्होंने अहुदे लैण तों बाद किन्ने गलत काम कीते। असल च जे जांच करनी आ ते उस चीज़ की जांच करनी बनती आ, किसी ने जनानी रखी नहीं रखी ये कोई जांच नहीं बनती। जनानियां ते कई रखी फिरदे आ, किसी का छप जांदा वा अखबारां दे विच ते किसी का छुप जांदा वा। जांच यह बनती है कि उहदे रखण दे नाल जां उहदे हुक्मां दे उत्ते जिहड़े इनडायरैक्टली उह हुक्म करदी रही है उहदे नाल पंजाब दा स्टेट दे रेवन्यू दा किन्ना लॉस होया और उहदे नाल पंजाब नूं की भरपाई उह करनी पई पैसे दी, किन्ना वड्डा नुकसान होया, जांच यह बनती है। फिर तुसीं अगों यह कहा कि मैं चीकू ते सीताफल की सुरक्षा नहीं करता, मैं लोगों के जान माल की सुरक्षा करता। मैं तुहानूं शीशा विखाउणा चाहुंदा वा अज दी आ साडे शहर की खबर है अमृतसर की, कि एक एक दिन दे विच छे छे चोरियां रोजाना शहर दे विच, जिहदे लई किसे लई तुहाडे वास्ते तो छोटी चीज़ लगेगी ना क्योंकि वड्डे लोग हो तुसीं, किसे दा स्कूटर चोरी, किसे दा साइकल चोरी, किसे दा मोटरसाइकिल चोरी, किसे दी चेन लथ जांदी आ गल दे विचों। किसे मैनूं अज खबर मिली कि बच्चियां दे लैपटॉप ते मोबाइल जिन्हां दे उत्ते क्लासिस लाउंदे सीगे, जे कहोगे ते मैं अगली वीडियो दे विचों बच्चे पेश कर दूंगा तुहाडे सामने, उन्हां दे मोबाइल ते लैपटॉप तक चोरी हो जांदे आ। और सीसीटीवी दे विच जदों चोर आउंदे ओ कैद होण दे बावजूद भी पुलिस तुहाडी मौका वेखना भी पसंद नहीं करती कि थां दे उत्ते जाके मौका वेख लिया जावे, लभणा ते दूर रिपोर्ट लिखण दी भी जहमत नहीं जिहड़ी इह पुलिस तुहाडी उठाउंदी। आ हालात जिहड़े पंजाब दे बणे, इक स्लोगन आउंदा सी ना करोना दे वेले कि बीमारी नाल लड़ो बीमार नाल नहीं। सो मैं तुहानूं भी कहना चाहुंदा कि जिहड़ी मोढली जड़ आ उहनूं फड़न की कोशिश करो। ये दो लड़ा मैं तुहानूं मुखातब होकर कहण लगा कि रंधावा साहब जमीन दे उत्ते आओ। मैं तुहाडे लई ये शेर बाबा बुल्ले शाह दा पढ़न लगा कि पर पड़े आलम फाजल होयो, पर पड़े आलम फाजल होयो, कदे अपने आप नूं तू पढ़िया ही नहीं, जा जा वरदा मंदर मसीती, कदी मन अपने विच तू वड़िया ही नहीं, एवें रोज शैतान नाल लड़दा, कदे नफ्स अपने नाल तू लड़िया ही नहीं। सुखी रंधावा जी असमानी उड़दियां फड़दे हो, जिहड़ा घर बैठा वह फड़िया ही नहीं, जिहड़ियां बीमारियां घर च ने जिहड़ियां बीमारियां नूं तुसीं दूर कर सकदे हो उहनां दे उत्ते आउणा चाहीदा। दूजा मुद्दा तुसीं इह कहा सीगा बेअदबी ते नशे दे उत्ते अक्सर तुहाडा लैक्चर जिहड़ा सुणन नूं मिलदा सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे विच कि मैनूं बणाओ गृह मंत्री, मैं अंदर करूँगा दोषियां नूं। ते अज जदों तुहानूं पत्रकार पुछदे आ पहले दिन ही गृह मंत्री बनन तों बाद, ते तुसीं कह रहे हो कि कानून दे अनुसार काम कीता जाऊगा, इह गल्लां ते फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वी सुण सुण के साडे कन्न पक गए सीगे पंजाब दी जनता दे। तुहाडे नाल नाल प्रगट सिंह होरी भी मंत्री बन के बेअदबी का मुद्दा, नशे का मुद्दा, रेता का मुद्दा वो सारा कुछ ही भुल गए। मैं उन्होंने भी पूछना चाहना कि प्रगट सिंह जी टीचा जिहड़ा मंत्री बनना सीगा कि पंजाब नूं इंसाफ दवाउण दा सीगा, मैं प्रगट सिंह होरां नूं कहिंदा कि तुसीं इक प्रैस कॉन्फ्रेंस चेता करो, तुसीं सारी प्रैस नूं सद के हाथ दे विच बेअदबी दे चलाण दीआं कापियां फड़ के इक प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती सी और तुसीं उहदे विच कहा सीगा कि इस तरीके दोषियां नूं छड्डिया गया, इस तरीके दोषियां नूं फड़िया जा सकदा, उहनां दे कालर नूं हथ पै सकदा, उह फड़ के अंदर दित्ते जा सकदे आ। हुण मैं तुहानूं बेनती करदा कि जिहड़े नुक्ते
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਲਿਆ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਠੀਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਐਡਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਨਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਦਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ 'ਚ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 18-31 ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ SC ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤਾ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
इन्हां सारियां दे गल्लां दे उत्ते तुसीं कदों ध्यान दोगे ते कदों बाबा साहब दीआं अखां च अखां पा के दसोगे भी मैं आह गलत काम कर रहा वा। इन्नी मतलब सारे कांग्रसियों नूं आदत ही पै गई यार मुकरण की, गल गल ते मुकरण का किहड़ा टीका तुसीं लुआ रहे अपने मन के अंदर। मैं तुहानूं कहण लगा सारियां नूं जिन्ने बंदे अपनी गल करके मुकरदे आ कि पिपली दिया पत्तिया होए कादी खड़ 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 लाई हुई आ, कांग्रसियों नूं इन्ना पुछ दे मुकरण वाले टीके की दवाई किहड़े वैद तों मंगाई आ, मुकरण वाले टीके की दवाई किहड़े वैद तों मंगाई आ। अज तुसीं देखो तुसीं गरीबां दे हमदर्द बणदे हो ना, अज गली सड़ी कणक लोगों नूं वंडी जा रही है, फिर किन्नियां वीडियोज़ ते किन्नियां खबरां आउंदियां वा किन्नी चोरी हो रही है गोदामां दे विच, कि वह सारा कुछ रुक गया जां उन्हां लोगों नूं तुसीं फाए लाया, उन्हां लोगों के उत्ते कोई एक्शन लिया भी लोगों नूं जहरीली कणक खवाउंदे ने, लोगों का हक मार रहे ने। अज पंजाब सारे दे हालात की बन गए, अज पूरे पंजाब दे विच हस्पताल जिहड़े ओह डेंगू दे नाल भर गए, पहला करोना सीगा लोग लुट्टे जा रहे ने, पहला करोना बंद दे नाल लोगों का लक टुट गया, फिर करोना का इलाज जिन्हां लोगों नूं करवाउणा पिया वह इलाज करा के खाली हो गए, उस तो बाद हुण लोगों नूं डेंगू ने घेर लिया। डेंगू नाल ते साडे कोलों लड़िया नहीं गया, करोना नाल असीं की लड़ाई लड़नी सी, सरकार कोलों इन्ना उपराला नहीं होया कि मच्छर मार स्परे जिहड़ी हो जांदी ते डेंगू इन्ना ना फैलदा, किते भी स्परे नहीं कीती गई, तुसीं को एक्शन लिया कि यह काम रुक सकता सीगा, लोकां दी लुट खसुट लोकां दी सेहत दा बचाव हो सकता सी, लोकां दी जान दा बचाव हो सकता सीगा, तुसीं को एक्शन तुसीं को हदायत जां तुसीं किसे हस्पताल दा दौरा कीता ते जानण दी कोशिश कीती कि कौन कौन जिम्मेवार है। तुसीं अगे आओ, अगे तुसीं लैक्चर च तुसीं यह कहा सी कि गरीब बच्चियां नूं पढ़ाउणा मेरी जिम्मेवारी है, एजुकेशन जदों वध जूगी लोगों नूं मिलूगी ते अपने आप ही सारा जिहड़ा तंत्र ठीक हो जूगा। अज मैं तुहानूं पुछणा चाहुंदा कि पंजाब दे विच एजुकेशन माफिया टुट गया, पढ़ाई जिहड़ी ओह इक सार हो गई, सरकारी ते प्राइवेट स्कूल एक बराबर हो गए। मैं प्रगट सिंह होरां नूं वी इह कहना चाहुंदा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तुहाडे कोल है, सिक्ख्या जिहड़ा महकमा है, कैप्टन नूं घेरन दी बजाए इन्हां गल्लां दे उत्ते फोकस करो कि गरीब दे न्याणे किद्दां पढ़नगे, लोकां नूं एक सार पढ़ाई किद्दां मिलूगी, इन्हां चीज़ां दे उत्ते ते चन्नी साहब कोई ध्यान ही नहीं देण दिया। अगे आ जाओ, एक्साइज महकमा तुहाडे कोल है, अज मैं तुहानूं पुछदा कि पंजाब दे पिंडां च पंजाब दे शहरां दे विच नजायज़ शराब बंद हो गई, नकली शराब विकणी बंद हो गई, ठेकियां दे उत्ते एक्सपायरी डेट दीआं शराबां लोकां नूं मिलदियां ने, लोकां दी जान दे नाल खिलवाड़ हुंदा, किन्नियां खबरां ये लगदियां ने। मैं ठेकियां ते जाके साबित कर दूंगा कि एक्सपायरी डेट दीआं शराबां जिहड़ियां विकदियां ने इहदे लई जिम्मेवार कौन है, तुहाडे कोल महकमा है। अज तुसीं बाबा साहब दीआं अखां दे विच अखां पा के कहो कि पंजाब दे विच भ्रिष्टाचार खत्म हो गया। मैं भ्रिष्टाचार तुसीं कहा सीगा कि सहन नहीं करूंगा, भ्रिष्टाचार खत्म तां छड्डो, आ साडे शहर दे विच तुहाडे कोलों एक फोन करा के 500 करोड़ रुपये का घपला होने की तैयारी आ, जिहदे विच 500 करोड़ रुपये का सरकार नूं चूना लगना वा, ते तुसीं ते कहिंदे सी भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। थोड़े दिनों दे विच जे ओह मैं रोकण की कोशिश कर रहा, जे ओह नहीं रुकदा ते तुहाडे दफ्तर मैं आप आऊँगा भी एड्डा वड्डा घपला तुहाडे फोन तो बाद हो रहा वा, कि ये भ्रष्टाचार नहीं, इन्हां दे उत्ते तुहाडी जिहड़ी निगाह नहीं जांदी। सड़क दे उत्ते जांदे किसी गरीब जोड़े नूं शगन पा देना, सड़क ते जांदे जांदे जलेबियां खा लैणियां, सड़क ते जांदे जांदे लंगर छक लैणा, ये फोटो सैशन है, इहदे नाल पंजाब दी डिवेलपमेंट दा पंजाब दे रेवेन्यू दा कोई लेना देना नहीं। यह थोड़ा चिर चंगा लगता है, यह फोटोआं खिचाउणियां सानूं वी आउंदियां भी किसी गरीब नाल फोटो खिचा लो ते लोग बड़ी वायरल करदे आ भी यार बहुत वधिया वा, लंगर छकण दे नाल तुरे जांदे लंगर छकण दे नाल तुहाडा ढिड भर सकदा चन्नी साहब, पंजाब दी जनता दा ढिड, पंजाब दे लोकां दे दित्ते टैक्स जिन्ना चिर उन्हां तक वापस नहीं आउंदा ओह टैक्स दे नाल उन्हां दा जिहड़ा ओह ढिड भरना वा, ना कि तुहाडे लंगर छकण दे नाल लोकां नूं सहूलतां मिल जाणियां ते लोकां दा ढिड भर जाणा वा। सो मेरी अखीर दे विच तुहानूं इह बेनती है कि जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब दी सहुं खाधी सी ना, तुसीं वी बाबा साहब बी आर अंबेदकर होणा नूं हाजर नाजर जाण के जो भाषण दिता सीगा उहदे उत्ते पहरा दिओ। जे गुरु महाराज दुनिया दे खुदा ने ना, ते जिहड़े बाबा साहब अंबेदकर आ जिन्हां साडा संविधान लिखिआ उह साडे देश दे लांड आर्डर दे साडे संविधान दे खुदा ने, और सौ ते वचन तुहाडा वी किसे गल्लों घट नहीं गा, अपने कहे दे उत्ते रहो और उस संविधान दे अनुसार काम करो, नहीं ते तुहाडे लई ते मैं कैप्टन लई इह कह के समाप्ति करूंगा कि गीत लिखे भी तो ऐसे,
गीत लिखे भी तो ऐसे के सुनाए ना गए, जख्म यूं लफ्जों में उतरे के दिखाए ना गए, और आज तक रखे हैं सियासत की अलमारी में, कसमें खा के जो किए थे वादे वो दोनों से निभाए ना गए।